तो यहाँ पे ये चीज कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। आप लोग देखोगे किस तरह का ये बना है। स्टार्टिंग में जब ये बना था तो ये अलग अलग निकले थे थोड़े थोड़े, और आप तो साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या चीज है। यहाँ पे एक पेड़ सा दिखाई दे रहा है जो कि आग लगाने से बड़ा होने लगा। मजाक कर रहा था, ये एक अलग चीज है, एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट है जो कि आप घर की चीजों से बड़ी आसानी से कर सकते हो। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा दिवाली पर जो सांप वाली गोलियां आती हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं, और उसके रिप्लेसमेंट में मैंने आप लोगों को पहले एक बताया था कि विटामिन सी की टैबलेट से आप ऐसा कुछ बना सकते हो। लेकिन इसमें विटामिन सी की टैबलेट भी नहीं है, इसमें जो चीज है वो बड़ी ही नॉर्मल सी चीज है और हर घर में आसानी से मिल जाती है, और उन्हीं से हम लोगों ने इसको बनाया। और बनाने के बाद आप लोग देखोगे किस तरह का ये दिखाई दे रहा है। पहले आप लोग इसको देखोगे ना, एक अलग सी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इसकी राख है यानी कि जो स्नेक टाइप का कुछ बना हुआ है जैसा दिवाली वाला स्नेक होता है वो अलग ही तरह का है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेड़ बड़ा होकर इस तरह से झुक गया हो, और ये इसकी ब्रांचेस है आप यहाँ पे देखोगे। तो अब आप लोगों को सिखाते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाले, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। तो इस चीज को बनाने के लिए हमें सिंपल सा चाहिए, एक प्लेट के अंदर इस तरह की मिट्टी हो या राख हो, आप कुछ भी ले सकते हो, ऑप्शनल है। और दूसरी चीज है यहाँ पे बेकिंग पाउडर यानी कि खाने वाला सोडा जिसको कहा जाता है, और तीसरी चीज हमने लिया है यहाँ पे बूरा जिसको कहा जाता है यानी कि शुगर का जो और भी बारीक पाउडर होता है उसको बूरा कहते हैं। तो अब साथियों इसको बनाते हैं। बनाने के लिए पहले जैसे मान के चलो ये ले लिया हमने एक चम्मच, और एक चम्मच और ले लेते हैं, दो चम्मच हो गया, दो चम्मच ये ले लिया, तो इसका चौथा हिस्सा यानी कि जैसे अगर ये एक किलो लिया तो पाव से ले लेना, अगर ये 20 ग्राम लिया तो 5 ग्राम इसको लेना है। तो यहाँ पे दो चम्मच हो गए तो इसका मतलब आधा चम्मच इनफ रहेगा इसके लिए। तो ये आधा चम्मच हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है, और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, और भी अगर इसमें थोड़ा कुछ बताया होगा तो इसको ऐसे कर देते हैं अच्छी तरह से, ये और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे यानी कि ये मिक्स हो गया। अब इसके बाद सिंपली हमें चाहिए थोड़ा सा पेट्रोल, और पेट्रोल को डालना है इस मिट्टी के ऊपर यानी कि जो भी आप मिट्टी वगैरह कुछ भी लेते हो तो उसके ऊपर पेट्रोल को डालना है, जितना आप चाहो उतना डाल सकते हो, ये कोई ये नहीं है कि भाई कितना डालना है, इतना होना चाहिए कि इसके अंदर आग लग जाए। उसके बाद सिंपली इस जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको इसके ऊपर डालना है, और डालने के बाद जो भी काम आपका था वो हो गया, बस इसके अंदर लगानी है आग। मैं इन सभी सामान को यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा सा दूरी पर, और फिर लगाते हैं इसके अंदर आग। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वही चीज़ जो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी इंट्रो में, और ये नज़ारा एक अलग से हो गया यानी कि जब ये चलता है ना यानी स्टार्ट होता है वो चीज़ काफ़ी डिफरेंट होती है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है तो थोड़ा देर तो लगेगी, लेकिन काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। आप लोग इसको घर पर भी ट्राई कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि भाई आपको कुछ हो सकता है, इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा यानी कि इसमें ब्लास्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। बस आते थोड़ा सा पॉल्यूशन ज़रूर होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे जो धुआं है वो काफ़ी ज़्यादा काला निकल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे किस तरह से चारों तरफ अलग अलग ब्रांचेस इसकी निकल रही हैं। पहली बार जब हमने बनाया था वो थोड़े मात्रा में बनाया था, और एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले करके देखना पड़ता है कि भाई ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अच्छी तरह से हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से इसकी ब्रांचेस इधर उधर निकल रही हैं। अभी भी ये बढ़ रहा है यानी कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, आप इसको दिवाली वाला स्नेक भी बोल सकते हो या फिर एक अलग से एक्सपेरिमेंट है।
तो यहाँ पे साथियों ये हो गया कंप्लीट, और आप लोग देखोगे क्या चीज बनी है। मैं कोशिश करूंगा ये हवा से उड़ ना जाए, और काफी बेहतरीन और अलग सी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और जो हमारा घर की चीजों से बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट था, यानी कि किया हुआ एक्सपेरिमेंट, वो काफी ज्यादा सक्सेस रहा है यहाँ पे, जो कि आप लोगों के सामने है। आप लोग देखोगे कि ये हमारा इस तरह की कुछ चीज उससे बनी है, केवल शुगर पाउडर और बेकिंग सोडा से। तो यहाँ पे ये चीज कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। आप लोग देखोगे किस तरह का ये बना है। स्टार्टिंग में जब ये बना था तो ये अलग अलग निकले थे थोड़े थोड़े, और आप लोगों को बता दूं यहाँ से काफी ज्यादा टूट भी गया है, उड़ गया है। नीचे आपको राख दिखाई देगी, यहाँ पे ये हवा तेज चली हुई थी उसके कारण ये जो ऊपर वाली परत थी इसकी ये हट गई है। बाकी बाद में ये एक सार होकर, यानी कि एक साथ में होकर ऊपर को निकलता है, इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको उठाने के लिए, और यहाँ पर आप लोग देखोगे ये मेरे हाथों में है, और ये चीज़ बनी थी इससे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा दिखाई दे रहा है। बाकी कितना इंटरेस्टिंग और कितना मज़ेदार है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये मज़ेदार भी है या फिर मुझे ही लग रहा है। तो ये था आज का वीडियो, आपको जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।